हेलो स्टूडेंट तो स्वागत है आपका नौकरी वॉरिज चैनल में और आज हम जो बात करने वाले हैं बात करने वाले कि एसएससी जीडी में सिर्फ चालीस परसेंट आपके पास हो रहे हैं और अब यूपी पुलिस में भी यही होगा यही होगा हंड्रेड परसेंट मेरी गारंटी यही होगा जो मैं आपको आज पूरा गणित समझाऊंगा कम कट ऑफ का वो आप देख के दंग रह जाएंगे ठीक है जो भी ऐसे जी में जो हो रहा है उसका जो अभी आपके फिजिकल चल रहा है उसका क्या पूरा डाटा है और सेकेंड लिस्ट आने के फुल चांसेस हैं ये मैं आपको सब कुछ बातें क्लियर कर दूँगा अब दो बातें उनके लिए जो मुझे बोलते हैं कि पर डे वीडियो लेके आ जाता है तो भाई मेरे मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ ठीक है मैं यहाँ पे आपको गगन बेचने का और गुटखा बेचने का नहीं लेके आ रहा हूँ ठीक है तो इस बात को ध्यान दें कि जो आपकी इन्फॉर्मेटिव और सटीक जानकारी होती है वही मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर देना क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहे आपकी एस एस है आपका आई पुलिस है सबसे लेकर ठीक है मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ ठीक है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना अब जो मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूँ उस डेटा को आप बारीकी से ध्यान से समझना मेरी पहली रिक्वेस्ट यही है जो डेटा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उस डेटा को अगर आप प्यार से समझेंगे पूरा डाटा उसमें समझेंगे तभी आपको क्लियर होगा और तभी आप अपनी रनिंग करवाएंगे तो जो भी भाई बहन मैं आपको डेटा तो ले ही जाऊँगा लेकिन अभी तक जिन भाई बहन ने जिनका स्कोर मैंने आपको पिछली कट ऑफ के अनुसार बताया है और उन्होंने अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो उनसे मेरे एक बार फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप रनिंग की तैयारी कीजिए क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है फिजिकल में तो आपको मैं चलता हूँ डेटा के डेटा की तरफ लेके और वहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कि क्या क्या वहाँ पर पोजिशन आपकी बनी हुई है और क्या ओके okay, भाई लोग जो भी मैं आपको डेटा यहाँ पर दे रहा हूँ वो डेटा एकदम सटीक डेटा है ठीक है ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से बना के मैं कुछ भी यहाँ पे बोल रहा हूँ बहुत से लोग बोलेंगे कि अपनी तरफ से डाटा सब बुला रहा है मैंने बहुत लोगों से जो फिजिकल देने हैं उससे बात की है काफ़ी जो बड़े बड़े चैनल्स हैं ठीक है जो आपको एक सटीक जानकारी देते तो वहाँ से मैंने डेटा निकाला है और मेरे साथ के ठीक है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भाई भी उनसे सबसे डेटा लेके मैंने आपको तभी बात की है तो यू पी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आगे क्या होने वाला है वो हम आज समझेंगे ध्यान से समझना मेरी बात को एक एक पॉइंट जो यहाँ पर बोल रहा हूँ उसकी अपनी हर एक की कीमत है एक एक पॉइंट की कीमत है ध्यान समझो अकॉर्डिंग टू एस एस अब मैं अकॉर्डिंग टू एस एस क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लगभग फिजिकल जो स्टैंडर्ड है यूपी पुलिस का फिजिकल स्टैंडर्ड जैसे जी का वो लगभग वह बराबर है, है। लगभग क्या है इक्वल है तो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो लगभग इक्वल है इसलिए यहाँ पर मैं ऐसे जी का आपको एक्जाम्पल समझा रहा हूँ जो भी फिजिकल चल रहा है एस एस जी का करेक्ट समझो भाई ध्यान से जो भी भाई एस एस का फिजिकल दे के आया हो और जो वीडियो देख रहा हो वो भाई कमेंट में जरूर इन बच्चों को क्लियर कर दे कि हाँ ये सही बात बोल रहा हूँ मैं ठीक है जो भाई देकर आया है फिजिकल वो एक बार कमेंट जरूर कर दे कि हाँ सर आपने सही बोला है हाँ भैया आपने सही बोला अब देखो पहला पॉइंट है यहाँ पे पहला पॉइंट ध्यान समझो कि काफी बच्चे रनिंग करने ही नहीं जा रहे हैं देखो काफ़ी बच्चे रनिंग करने जा रहे हैं उसके पीछे आपको दो पॉइंट समझो पहला पॉइंट क्या है जो कट ऑफ के इर्द गिर्द है ठीक है ज मान लो कट ऑफ आपकी एक सौ तीस एक सौ उनतालीस एक सौ तीस रुकी है तो जो एक सौ चालीस हैं एक सौ इकतालीस एक सौ बयालीस वाले बहुत बच्चे हैं जो लगभग एक सौ चवालीस तक हैं मतलब आ, एक एक कट ऑफ की डेटा आपको लेकर चल रहा हूँ ठीक है इतनी रुकी नहीं है बहाल आपको समझा रहा हूँ जैसे मान लो कट ऑफ एक सौ बीस रुकी है तो 120 के अलावा मतलब 121 वाले हो गए 122 वाले हो गए 123 वाले हो गए ये हर कोई रनिंग करने ही नहीं जा रहा है ये सोच के बैठे हैं कि हमारा नंबर ही नहीं आएगा लेकिन ये बिल्कुल गलत सोच के बैठे हैं सभी डेटा आपको समझना तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि काफ़ी बच्चे रनिंग ही करने नहीं जा रहे हैं रीजन है कि लगभग बीस बच्चे तो लगभग बीस बच्चे रनिंग करने नहीं जा रहे हैं रीजन है जो कट ऑफ के आसपास है वो बिल्कुल रनिंग करने ही नहीं जा रहे हैं ठीक है कौन से लगभग बीस परसेंट बच्चे यहाँ पर हमारे हो गए हैं उसके बाद अप्रॉक्स मालूम है हंड्रेड परसेंट डेटा का लेकर चलता हूँ बच्चों के लगभग सौ बच्चे हैं सौ बच्चों में से लगभग लगभग बीस परसेंट बच्चे मेरे अस्सी परसेंट जो ग्राउंड पर हैं बीस परसेंट कौन है जो बिल्कुल आई नहीं रहा है जो अबसेंट है लगभग बता रहा हूँ लगभग डाटा कहीं पर ज़्यादा भी हो सकता है कहीं पर तीस भी हो सकता है तो कहीं पर पंद्रह भी हो सकता है लेकिन मैं एक मोटा मोटा हिसाब बीस परसेंट लेकर चल रहा हूँ तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि अस्सी परसेंट बच्चे सिर्फ ग्राउंड पर पहुँच रहे हैं मात्र अस्सी परसेंट और बीस परसेंट क्या रह रहे हैं अबसेंट वहाँ पर रह रहे हैं एक एक पॉइंट को ध्यान समझना जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसके बाद क्या हो रहा है कि अस्सी परसेंट में अब आप सोचेंगे सर आपने परसेंट निकालना नहीं आया है अस्सी परसेंट का बीस परसेंट कितना होता है तो आप बात मुझे मस सेना ठीक है मुझे परसेंट निकालना आता है आप बात इतना समझो कि सौ में सौ का डाटा लेकर चल रहा हूँ और सौ के डाटा में बीस परसेंट आपके रनिंग नहीं जा रहे हैं बीस परसेंट का फिजिकल कराब है बीस परसेंट का मेडिकल कराब है अब ये मैं समझना है ना कि अस्सी परसेंट का सर बीस परसेंट कितना होता है ठीक है आप मुझे ये बात चीज मत से खाना कमेंट में पहन कमेंट करने लग जाओ सर आपको निकालने नहीं आता है, कितने बच्चे बचेंगे तो मैं एक जो डाटा निकाल रहा हूँ सौ में से डाटा निकाल रहा हूँ ठीक है अगर आपको परसेंटेज पढ़नी है तो मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दी तो आप मुझे परसेंटेज मत से कहा कमेंट में अब हुआ क्या है कि अस्सी परसेंट में लगभग लगभग बीस परसेंट बच्चे ठीक है ये डाटा सौ के साथ मान के चल रहा हूँ मैं ये सोचना कि अस्सी परसेंट का बीस परसेंट निकाल लूँ इसमें से लगभग लगभग बीस परसेंट बच्चे तो बीस परसेंट यहाँ पर हो गए और बीस परसेंट यहाँ पर बच्चे हाइट में और चेस्ट में वो आउट हो रहे हैं भाई ये बात बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रख लो बहुत से बच्चे लगभग बीस परसेंट एक हंड्रेड का डाटा लेके चल रहा हूँ वो अपनी हाइट में क्योंकि जिसकी कट ऑफ ज़्यादा होती है जो पढ़ने होशियार होता है उसकी आपने देखा होगा हाइट लगभग ही कम रहती है सबकी बात नहीं कर रहा हूँ तो हाइट में और उनका चेस्ट में दोनों में बहुत दिक्कत होने वाली है याद रखना हाइट और चेस्ट में बहुत बच्चे आउट हो रहे हैं मेरी बात को एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना तो लगभग हमारे कितने चालीस परसेंट बच्चे अभी तक बाहर हो चुके हैं बीस परसेंट वो जो आई नहीं बीस परसेंट वो जिनकी हाइट और चेस्ट बिल्कुल ही गोल है ठीक है जिनका हाइट और चेस्ट है कोई मतलब ही नहीं है उसके बाद एक पॉइंट ध्यान समझो अब अस्सी परसेंट में से बीस परसेंट ठीक है यहाँ पे जो अस्सी परसेंट था हमारा बीस परसेंट तो यहाँ पे हमारा लगभग साठ परसेंट जो जेन बच्चे ग्राउंड पर हैं लगभग साठ परसेंट समझ लो लगभग साठ परसेंट बच्चे जेन ग्राउंड पर हैं जेन का मतलब हो गया कि जिनकी हाइट ठीक है और जो आए भी हैं वो साठ परसेंट बच्चे बच्चे सिर्फ साठ परसेंट बच्चे वो जिनकी हाइट भी ठीक है और ग्राउंड पर है तो अगर मान लो सौ बच्चे हमारे टोटल मैंने एक ग्राउंड पर लिए ग्राउंड में से माइनस चालीस तो बच्चे वो हो गए जिनकी जो आई नहीं और जिनकी हाइट कम है तो बच्चे सिर्फ साठ बच्चे बच्चे प्रेजेंट ग्राउंड पर जो जेनुअन बच्चे बचे हुए हैं मात्र साठ परसेंट बच्चे हमारे ग्राउंड पर है अभी डेटा ध्यान समझना साठ में से इस बात को इंपोर्टेंट लिख लो ठीक है और जो भी भाई अभी जी डी का फिजिकल देके आया हो या कभी फिजिकल देके किसी का भी एग्जाम का आया हो जो भी मेरा भाई किसी भी एग्जाम का यहाँ पर फिजिकल देके आया है मैं बात नहीं कर रहा हूँ इसी एग्जाम की ठीक है वो यहाँ पर पॉइंट टू तो पॉइंट इन लोगों को समझा दें जो बात नहीं समझते मेरी उसमें लगभग बीस परसेंट तो लगभग देखो बीस परसेंट यहाँ पर बीस परसेंट यहाँ पर बीस परसेंट यहाँ पर लगभग साठ परसेंट बच्चे किसमें और जो बीस परसेंट ये वाले जो बच्चे हैं वो रनिंग में और मेडिकल में यहाँ पे डेटा कम भी हो सकता है यहाँ पर किसी किसी में किसी किसी सेंटर पर तीस भी हो सकता है तो किसी किसी सेंटर पर दस परसेंट हो सकता है तो दो इन दोनों का एवरेज ही मैंने यहाँ पर बीस परसेंट ले लिया तो साठ में से लगभग बीस परसेंट रियलिटी है इस बात को रियलिटी पॉइंट टू समझ लो वो रनिंग में और मेडिकल में आउट हो रहे हैं रनिंग में और मेडिकल दोनों का लगा के बात कर रहा हूँ जिन पर रनिंग ही नहीं हो रही है और जो मेडिकल में आउट हो रहे हैं और आपको देखने को भी मिलेगा ये पीपल में ये बात मेरी कान खोल के सुन लो पॉइंट पर लो अस्सी तो परसेंट लगभग मैं बात करता साठ परसेंट बच्चे साठ परसेंट बच्चे आउट हो चुके हैं अब चालीस परसेंट ने मात्र की है। कहीं पर डाटा पचास परसेंट भी हो सकता है तो कहीं पर तीस परसेंट भी हो सकता है उन दोनों का एवरेज मैंने चालीस परसेंट लिया है ठीक है ओके तो ये जो मात्र चालीस परसेंट बच्चे अगर कहीं पर सौ बच्चे कहीं ग्राउंड पे जा रहे हैं पूरी बात समझना कहीं पर सौ बच्चे अगर ग्राउंड पर जा रहे हैं तो सौ में से मात्र चालीस बच्चे ही हमारी रेस को क्वालिफाई कर पा रहे हैं जो कि मेडिकल फिजिकल डॉक्यूमेंट सब कुछ वेरीफाई करा के मात्र चालीस बच्चे हमारे पास जेनवन बच्चे हैं, हैं। ठीक है और ये डेटा रियल डेटा है मैं ऐसा नहीं फेक डेटा आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक लाख का सयर का चालीस परसेंट निकालते हैं लोग कितना आएगा और बेहतर है यहाँ पर निकल आएगा ठीक है ठीके? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी वीडियो को अपलोड किया था वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पर मैं थर्टीन समझ लिया तो मैंने यहाँ पर बावन लिख दिया था तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ क्योंकि दिमाग आपका कभी टच कर सकता है तो देखो यहाँ पे आप समझिए कि साढ़े हमारे पद है लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि अगर बेहतर दस हज़ार एक्स्ट्रा हैं तो एक बात आपको अपने माइंड में रखनी है कि तो दस हज़ार जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं उनमें से आपके बहुत जना है सी पी किया है ठीक है वो अपनी फिजिकली की तैयारी कर रहे हैं सी एल टी फर्स्ट दिया है उनमें से अपने तैयारी में लगे हुए हैं ठीक है जिन्होंने जी में दिया और जी डी में, में सेलेक्ट हैं वो भी अब से इस, इसमें हो जाएंगे तो लगभग लगभग डाटा आपका कहाँ पहुँचेगा साठ हज़ार से नीचे ही पहुँचेगा या मैं कहता हूँ साठ हज़ार के लगभग ही पहुँचेगा इस बात को दिमाग में रख लो अपनी और अपनी लग जाओ फिजिकल पर तो इस हिसाब से मैं कहता हूँ सेकेंड लिस्ट के फुल चांसेस आपके